नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में, कैसा रहेगा वर्ष 2022 मकर राशि के जातकों के लिए, कौन से ऐसे शुभ योग हैं जो कि आपके लिए सुखद हो सकते हैं, आपको अच्छी न्यूज़ दे सकते हैं और आपकी परेशानियों से आपको बाहर निकाल सकते हैं, और कौन से ऐसे योग हैं, कौन से ऐसे बड़े परिवर्तन हैं जो कि इस वर्ष में होने जा रहे हैं, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। यदि आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें और आप सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो के पसंद आने पर लाइक व शेयर ज़रूर करें। दर्शकों, ये राशिफल चंद्र राशि और आपके नाम पर आधारित है, तो कृपया आप इसे अपने चंद्र राशि व नाम से देखने का ही प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वर्ष में कौन से ऐसे बड़े परिवर्तन हैं जो कि होने वाले हैं और आपके लिए ये क्या कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। तो 29 अप्रैल को शनिदेव मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे जो कि 12 जुलाई तक रहेंगे। 7 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे जो कि 12 अक्टूबर तक वक्रावस्था में संचार करेंगे। 12 अक्टूबर को मार्गी होंगे मकर राशि में। 9 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे जो कि देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि है, तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छे गुड न्यूज़ भी मिलेंगे। 11 अप्रैल को राहु का परिवर्तन होगा, राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 11 अप्रैल को केतु भी तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अब हम बात करते हैं इस वर्ष में कौन से महीने हैं जो कि आपके लिए शुभ नहीं रहेंगे। तो जनवरी, मार्च, मई और अक्टूबर के महीने में आपको खास तौर से सावधानी बरतनी है। अगर आप इस महीने में कोई भी नया काम करते हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं या अपने जन्मांक चक्र का एक बार अवलोकन करवाएं, उसके बाद यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप जान सकते हैं कि समय आपके लिए शुभ है या अशुभ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वर्ष में क्या कुछ परिणाम मिलने वाले हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों को इस वर्ष में कुछ अधिक संघर्ष रहेगा। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको अधिक मेहनत, अधिक संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त होगी। वहीं पर यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको करनी है, अधिक संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव है, शनि की 7.5 का दूसरा चरण होने से भाग दौड़ कुछ अधिक मात्रा में रहेगी। भाग दौड़ करने से थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी रहेगी, चिंताएं होंगी, भाग दौड़ में अधिक धन व्यय भी होगा। और साथ ही स्टूडेंट्स की यदि हम बात करते हैं तो यह वर्ष स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। वर्ष आरंभ में ही फाइनेंस से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म होंगी। ये वर्ष फाइनेंस की दृष्टि से आपका अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा व पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा, सुखद वातावरण रहेगा, माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। नए बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो प्लानिंग्स आपकी बहुत ही अच्छी रहेंगी और सक्सेस भी होंगी, अच्छे ऑफर्स भी आपको मिलेंगे। घर परिवार में शादी विवाह के योग बनेंगे, मांगलिक व शुभ कार्यों के योग बनेंगे, अधिक धन व्यय भी होगा और इस धन व्यय में आप कुछ थोड़ा सा मानसिक परेशान हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुकता देखने को मिलेगी, आपको कुछ परेशानियां, विवाद, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इस वर्ष में कोर्ट कचहरी के विवादों से आपको राहत मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। यदि पहले से कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद खत्म होगा, फैसला आपके फेवर में हो सकता है। अनायास के विवाद इस समय में, इस वर्ष में आप ना ही क्रिएट करें तो अच्छा रहेगा, अनायास के विवादों से आपको बचना है। दर्शकों, अब हम बात करते हैं इस वर्ष 2022 में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के महीनों में किन किन महीनों में आपको किन किन शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है और किन चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी है, इसकी जानकारी हम आपको सूक्ष्मता में देते हैं। तो जनवरी मंथ में भागदौड़ कुछ अधिक रहेगा, संघर्ष अधिक रहेगा, वहीं पर दाम्पत्य जीवन में भी कुछ अनबन रहेगी, मतभेद, लड़ाई झगड़े, विवाद जैसी स्थितियाँ बनी रहेंगी। फरवरी मंथ की हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज होंगे, जिससे आपका मन भी परेशान रहेगा। क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य उत्तम नहीं होता है, स्वास्थ्य सही नहीं होता है, तो हमें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, चाहे वो आपके जॉब से, ऑफिस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम हो, उसमें आपका मन नहीं लगेगा। तो इस समय आपको कुछ परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, वहीं पर संतान का भी आपको ध्यान रखना है, संतान से कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है, मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है।
मार्च के महीने में नौकरी पेशा लोगों के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रमोशन आदि के योग बनेंगे। यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो इस समय में आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। वहीं पर बिजनेस व्यापार में बहुत बढ़िया लाभ होगा। इनकम के न्यू सोर्सेज डेवलप करने में आप सक्षम रहेंगे। अपने बिजनेस में कुछ नई चीज़ें ऐड करने के बारे में सोचेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिलेगी। बाहर जा करके यदि स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें आपको बाहर जाने के ऑफर्स भी मिल जाएंगे और आपकी स्टडी भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा क्योंकि आपकी सारी विशेष इस मंथ में पूरी होने वाली हैं। वहीं पर अप्रैल के महीने में घर परिवार में शुभ व मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। घर परिवार का सहयोग भी मिलेगा। संतान से कुछ सुखद समाचार मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। वहीं पर मई के महीने में उच्च स्तरीय एवं दूर से आए हुए लोगों से आपकी मुलाकात होगी और इन लोगों से आपको बढ़िया बेनिफिट भी हो सकता है, यानी धन लाभ के नए योग बन सकते हैं। जून के महीने में आपको आपके करियर फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, पारिवारिक माहौल में हर प्रकार से अच्छी सक्सेस मिलेगी, यानी ये मंथ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। जुलाई के मंथ में सडनली आपको धन लाभ होगा, अचानक से कुछ अच्छे ऑफर्स आ जाएंगे जिसमें आपको बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा। उन्नति बहुत बढ़िया होगी, परंतु आपके पर्सनल लाइफ में यानी आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अगस्त के महीने में कुछ पुराने शत्रु होंगे, कुछ गुप्त शत्रु होंगे जिनसे आपको सावधान रहना है। आपके कुछ अपने हो सकते हैं जो कि आपके लिए कुछ प्लानिंग्स कर सकते हैं आपके अगेंस्ट, जो कि आपके लिए सही नहीं रहेगा, आपको परेशानियों में डाल सकता है। अनावश्यक के वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं जिससे आपको बचना है। वहीं पर सितंबर मंथ में आपको अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि इस मंथ में धन व्यय कुछ अधिक मात्रा में होगा, अधिक धन खर्च होगा। कार्य यदि आप कोई भी करते हैं, थोड़ी सी सावधानीपूर्वक यदि आप करते हैं तो अचानक से आपको कोई धन हानि नहीं होगी, वरना आप कोई बहुत बड़ा लॉस भी, आप किसी लॉस में जा सकते हैं। अक्टूबर के महीने में आपको अधिक मेहनत व संघर्ष करने की ज़रूरत है। संघर्ष करने के बाद आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। वहीं पर नवंबर के महीने में व्यावसायिक दृष्टि से ये मंथ आपके लिए बेहतर रहेगा। बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, आपके काम काज में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, आपके वर्कर्स और सपोर्टर्स का आपको बहुत ही अच्छा सहयोग मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और साथ ही कुछ यात्राओं के भी योग बनेंगे। वहीं पर दिसंबर महीने में कुछ चेंजेस हो सकते हैं आपकी जॉब में। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। स्थान परिवर्तन के भी योग बने हुए हैं और आकस्मिक दुर्घटना के भी योग बने हुए हैं। तो यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो अल्कोहल का सेवन करके ड्राइविंग ना करें, लेट नाइट ड्राइविंग ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दर्शकों, ये रहा मकर राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल। इसके अलावा यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।